पर नए भारत के रूप में प्रस्थापित करवाने वाले हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके मंगलमय उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान गुजरात के मृदु एवं मक्कम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल 2019 के चुनाव में देश में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले और एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करने वाले संसद के मेरे साथी सीआर पाटिल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और गुजरात के ही संतान श्री मनसुख भाई मांडविया, मंच पर विराजमान गुजरात सरकार के सभी मंत्री महोदय, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया, घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर
मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वह इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगे गेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था, उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, आज इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है, जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी। संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साहब कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर, उसको बुलंदी देने वाले पंडित ओमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के काम से प्रेरणा लेकर हम गुजरात का गौरव बढ़ाने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, गुजरात की देश के प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भरूचनी भागीदारी एक जमानो हतो, आपणो भरूच खाली खारी सिंगने कारणे ओळखातो हतो, आजे मारो भरूच उद्योग धंधा व्यापार बंदरो केट केटली बाबतमां एनो जय जयकार थई रह्यो छे। अने आजे मारा आ प्रवास दरमियान गुजरात में जे शिलान्यास अने लोकार्पण ना काम थई रह्या छे, भूतकाळ में कोई एक सरकारोना एटले गुजरात ना भूतकाळ ना बजेट करता पण जूनी सरकारों में गुजरात नु जे कुल बजेट हतु ना एक वर्ष नु, एना करता वधारे मैं एक प्रवास में लोकार्पण ने शिलान्यास कार्यक्रमों कर दीदा जे भाई। आ गुजरात क्या थी क्या पहुंची गयु, अने हवे अमारु तो भरूच जिल्लो पण कॉस्मोपोलिटन जिल्लो बनी गयो छे। अहिया हिंदुस्तान ना लगभग बधा राज्यों ना कोई न कोई भाई बैठा हशे, अने आखा भरूच जिल्ला में जाओ तो तमने कोई केरल नो माणा मळे,